हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में हम अपने ब्लॉग सीरीज़ के पार्ट वन को कवर कर रहे हैं। आज का दिन है 25 दिसंबर और हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो रही है हमारे बदायूं स्टेशन से। हमारी जो ट्रेन है वो सुबह 9 बजे आएगी और हम पहुंचेंगे कासगंज होते हुए मथुरा। दोस्तों, हम ट्रेन में सवार हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉप आ चुका है जिसका नाम है कछला ब्रिज। यहाँ पर गंगा माँ हमें मिलती हैं और जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। समय समय पर यहाँ पर मेला भी लगता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो हमारा होगा कासगंज सिटी, या फिर हम कह सकते हैं कासगंज। तो हमारी ट्रेन इसी के साथ आगे बढ़ चुकी है और हमारी जर्नी लगातार चल रही है। इस वीडियो में हमारा जो स्टे है वो वृंदावन के एक आश्रम में होने वाला है। वहाँ की क्या कॉस्ट पड़ती है, वहाँ का सारा खर्चा कैसा होता है और खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो हमारी जर्नी के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। ट्रेन के बीचों बीच यहाँ पर रील्स और स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों, ट्रेन के कासगंज स्टेशन पहुँचने से पहले कासगंज सिटी स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर हमारी जो ट्रेन थी वो कुछ समय के लिए रुकी थी और उसी दौरान हमारे जो दोस्त थे उन्होंने रील्स और स्टोरीज और स्लो मोशन वगैरह बीच बीच में बनाए थे। Keep me.
गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कासगंज। बदायूं से ये ट्रेन कासगंज 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाती है और वहां ये ट्रेन अपना नंबर चेंज करती है और करीब 1 घंटे के ब्रेक के बाद हाथरस होती हुई मथुरा पहुंचती है। तो अगर आप इस ट्रेन से आते हैं तो आपको कुछ देर 1 घंटे कासगंज वेट करना होगा और उसके बाद यही ट्रेन आगे मथुरा की ओर जाएगी। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। बदायूं से सुबह 9 बजे चलने के बाद हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 2 या 2:05 पर हमें मथुरा उतार चुकी है। अब हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पर, जबकि हमने बीच में कासगंज 1 घंटे का ब्रेक भी लिया था क्योंकि ये ट्रेन कासगंज 1 घंटा रुकी भी थी। कासगंज से ये ट्रेन चली थी 11:15 पर और लगभग 2 बजे के आसपास ये आ जाती है मथुरा जंक्शन पर। अब हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है मथुरा से वृंदावन की ओर। वैसे मैंने आपको ये बात शायद नहीं बताई कि इस जर्नी में हमारे साथ मैं और मेरे 3 दोस्त और हैं। इनका नाम है शिवम और आगे जो 2 लोग चल रहे हैं उनका नाम है जय और आकाश। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आप इस ब्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना समय बचाना है तो हम लोग डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर चलते जाते हैं और आगे की ओर जाकर एक जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर वो टूटी हुई है तो उसको पार करके हम सीधे डायरेक्टली जंक्शन से एग्ज़िट कर जाते हैं और हमें सीधे अपना ऑटो मिल जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे मथुरा तब भी हमने यही किया था और इस बार भी हम वहीं की ओर जा रहे हैं और वहां से ही उसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, बाहर आ चुके हैं मथुरा जंक्शन से और सामने ही रोड के उस तरफ हमारे लिए मिल जाएंगे ऑटोज़। यहाँ हम मथुरा जंक्शन से वृंदावन, गोवर्धन, बरसाने या कहीं के लिए भी ऑटो ले सकते हैं। हमारे मथुरा जंक्शन से वृंदावन तक का जो ऑटो का किराया रहता है वो लगभग 25 रुपये या 30 रुपये तक रहता है। अगर आप लोग के जो साथ में लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो किराया कम भी हो जाता है, तो जैसा आप चाहें अपने ऑटो वाले से उसको बात कर सकते हैं।
मथुरा से वृंदावन ऑटो से आने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। अगर आप ऑटो से आते हैं तो आपको परिक्रमा मार्ग पर उतरना होता है। ये वही परिक्रमा मार्ग है जिसमें 84 कोस की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा मार्ग पर आपको ठहरने के लिए बहुत सारे आश्रम और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहता है, या कुछ जगह आप केवल अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। जैसे कि आप चारों ओर देख रहे हैं, जहां तहां आपके लिए आश्रम देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं आश्रमों की तरह हमारा ये जो सामने आश्रम दिख रहा है वो है, इसका नाम है श्री महेशानंद स्वयं धर्मार्थ आश्रम।